हम लोग 10 साल से बना ही रहे थे, कर्ज से बना के देते थे। तो अच्छा सब कस्टमर बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा बनाते हैं, बाहर जाके कुछ बड़ा वाला करो, रेस्टोरेंट हाँ, जैसा उसी बोलो, आशा आपने चालू यहाँ रेस्टोरेंट चालू कर कर दिया। दिया। फूडी रुपेश के नए एपिसोड में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट रुपेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फूडी रुपेश। और आज आपको कैमरे के पीछे आयुषी और साथ में लिटिल मास्टर मन भी दिखने वाला है। सो गाइस, आज के एपिसोड में मैं आपको लेकर आया हूँ और टंडेल फिश में, यहाँ पर है ना, फिश में 15-16 टाइप की वेरायटी मिलती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपको यहाँ पर ले जाकर बढ़िया से 2-3 टाइप की वेरायटी दिखाई जाए। और इनके पास कितने टाइप की वेरायटी है जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। और अपने भाई का चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो तो अंदर चलते हैं, ऑनर से थोड़ी बातचीत करते हैं और आपको बढ़िया सी 2-3 वेरायटी दिखाते हैं। गाइस, मेरे साथ यहाँ की एक हार्ड वर्किंग लेडी है और ये यहाँ के ऑनर भी हैं, इनसे मिलते हैं। मैडम आपका नाम बताइए। अंजना बेन तंदिल। अच्छा, और अंजना बेन कब से चालू किया यहाँ पे? 10 दिन से। 10 दिन से। और कितना टाइप का वेरायटी मिलता है आपके पास? हमारे पास 15 टाइप की वेरायटी मिलती है। अच्छा, पूरा फिश का वेरायटी है आपके पास? पापलेट है, रामा छे, डारो है, अच्छा झींगा है। कैसे आइडिया यहाँ पे चालू करने का? हम लोग 10 साल से बना ही रहे थे, घर से बना के देते थे। अच्छा, तो सब कस्टमर बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा बनाते हैं, बाहर जाके कुछ बड़ा वाला करो, रेस्टोरेंट जैसा बोलो। आपने यहाँ रेस्टोरेंट चालू कर दिया। यहाँ का एड्रेस क्या? एरुचा रास्ता, गांधी फाटक का ब्रिज है ना, हाँ? इससे नीचे सर जे स्कूल है, इसके पास सामने। अच्छा, यहाँ का टाइमिंग क्या रखा है आपने? 4 बजे से, शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक। और हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहोगे? यहाँ के आइटम बहुत अच्छी है, एक बार टेस्ट करो तो बार बार आएंगे आप लोग। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को क्या चीज दिखाना पसंद करेंगे? पापलेट है, बिरयानी है, वही। अच्छा, तो ठीक है, चलो आपको है ना यहाँ की बढ़िया सी 2-3 वेरायटी दिखाते हैं। तो अंजना मैडम क्या बना रहे हैं सबसे पहले? पापलेट बनाएंगे। अच्छा, बनाइए हमारे लिए बढ़िया सा एक पापलेट, दिखाइए हमारे व्यूअर्स को आज बढ़िया से। तो ये जो पापलेट रहता है आप लोग कहाँ डायरेक्ट बाजार से परचेस करते हैं? हाँ, बाजार से। अच्छा, तो गाइस देख लो यहाँ पे है ना पॉम्पलेट को क्लीनिंग किया जा रहा है। ऑलरेडी क्लीनिंग है? क्लीनिंग है, सिर्फ ये काप रखना का बाकी है। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे है ना पॉम्पलेट को क्लीनिंग कर दिया गया था, अब इसमें कटिंग किया जा रहा है। तो इसका प्राइस क्या रखा था आपने? इसका 100 रुपए के पीस। 100 रुपए का पीस है, एक पीस आता है। तो गाइस देख लो यहाँ पे सबसे पहले इंग्रेडिएंट जा रहा है, ये सबसे पहले इसमें हल्दी आ गया, नमक है। अच्छा, तो ये इसके अंदर नमक जा रहा है। तो अंजना बहन आप भी लगभग 10 साल से ये बना ये रही काम हो, कर रहे हैं? हाँ। तो आपके जो 10 साल से जो कस्टमर है ज्यादा सी फूड में कौन सी चीज पसंद करते हैं? वो झींगा है। अच्छा, रामच है, डारो है। अच्छा, पापलेट है, सभी ये सब चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, ग्रीन चिकन है ये सब। अच्छा, ये क्या डाल रहे हैं आप? अदरक लहसुन का पेस्ट है, अदरक का पेस्ट है, अदरक लहसुन, अदरक लहसुन दोनों मिक्स है। मिक्स है। हाँ, एक ग्रीन मिर्चा है, मिर्ची है, ये ग्रीन मिर्ची आ गया। हाँ, ये धनिया के पेस्ट है। अच्छा, ग्रीन धनिया, इसमें भी हल्दी डालेंगे। तो इसमें ये हल्दी आ गया, धनिया है, धनिया आ गया, लाल मिर्च है। तो ये काफी, मुझे लग रहा है काफी स्पाइसी बनने वाला है। स्पाइसी पसंद करते हैं। अच्छा, यहाँ के पब्लिक स्पाइसी ज्यादा पसंद करती है। इमली का पेस्ट है थोड़ा सा। अच्छा, इमली का पेस्ट आ गया, किसी को चाहिए किसी को नहीं चाहिए। अच्छा, इमली का पेस्ट और थोड़ा नमक डाल दो। और मैंने सुना था आपके यहाँ बिरयानी है, वो रेडीमेड आप रेडी करके ला? अच्छा, उसके उसका प्राइस क्या रखा था? हाफ डिश का 80 है। अच्छा, उसमें झींगा का कितना पीस आ जाता है? चार पाँच पीस आ गया।
गाइस देख लो ट्रेंडेड फिश का ये दो वैरायटी आ गया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे पॉम्पलेट मंगाया था, इसका प्राइस है 100 रुपया, और मैडम ने हम लोग आज 3 जन आए हैं इसलिए हमको इन्होंने 2 पीस दिया, बाकी ये 100 रुपये में आपको 1 पीस मिलेगा। दूसरा रहा यहाँ का ये झींगा बिरयानी, इसका प्राइस है 80 रुपया, साथ में यहाँ पे ऑनियन और नींबू दिया, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, इसका मेकिंग तो लगभग आपने पूरा देख ही लिया है, तो ये पॉम्पलेट है इसको ट्राई करते हैं। इसमें इतना सारा इंग्रेडिएंट आया था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था ये काफ़ी स्पाइसी होगा, पर ये ज़्यादा स्पाइसी मुझे लगा नहीं, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से ना फ्राई हो चुका है। तो इसका आप यहाँ से पास से देखिए, इसका ये जो मीट है ना ये अंदर से पूरा अच्छी तरह से पक चुका है। तो ये मछली है तो इसको लगभग 2 हाथ गंदा करके खाना पड़ेगा। देखिए ये इसका जो मीट है ना ये काफ़ी अंदर से अच्छी तरह से पक चुका है, और ये जितना भी मसाला है ना पूरा अंदर तक चले गया है, पूरा अब्जो कर लिया है मीट, तो ये मुझे खाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। इसके अंदर अदरक लहसुन का स्वाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये फ्राई करने की वजह से ना हल्का सा ऊपर क्रिस्पनेस आ गया है, तो जैसे जैसे आप इसका बाइट लेके खाएंगे ना तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, और ये वैरायटी मुझे काफ़ी अच्छी लगा। तो मेरे साथ यहाँ पे मैडम भी है, तो मैडम इसके अलावा और क्या क्या पसंद करती है यहाँ की पब्लिक? यहाँ की पब्लिक झींगा ग्रेवी वाला है और फ्राई। अच्छा, किसी व्यूअर्स को यहाँ पे आकर झींगा फ्राई खाना है तो क्या प्राइस पड़ेगा? ये 200 रुपए की एक पीस। 200 रुपए की एक पीस आती है, 250 ग्राम आता है। तो गाइस ये रहा यहाँ का देखिए बिरयानी, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो इसका प्राइस उन्होंने 80 रुपए रखा था। तो मैडम इसमें जो आप लोग राइस यूज करते हैं वो कौन सा रहता है? बासमती। अच्छा, और इसके अंदर जो झींगा रहता है उसमें कितना पीस आता है? इसमें 4-5 आता है, छोटे अच्छा। हो तो ज्यादा आते हैं। हाँ। बड़े हो तो कम आते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर मसाले में क्या क्या रहता है इसमें? इसमें ऑनियन टमाटो ग्रेवी बनाते हैं। अच्छा, और राइस। और तो ये जो वैरायटी है आप लोग घर से रेडी करके लाते हैं, जब कस्टमर आता है तो गर्म गर्म सर्व करके देते हैं। तो ठीक है गाइस, इसका है ना एक बाइट लेते हैं। ये आइटम है ना मेरे लिए नया है, मैं आज से पहले कभी यहाँ पे झींगा बिरयानी कभी खाया नहीं था। आपने काफ़ी चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, एग बिरयानी सब खाया होगा, तो इसमें जो ये झींगा का साइज़ है ना थोड़ा छोटा साइज़ का है, पर इसमें क्वांटिटी आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ की फीस में क्या है कि आप जैसे बाइट लेंगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है, कुछ स्मेल जैसा नहीं मारेगा, आप खाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि एकदम फ्रेश खा रहे हैं। और आप यहाँ जब भी आएंगे ना तो आपको एकदम गर्मा गर्म वैरायटी यहाँ पे खाने को मिलेगा। तो एक बाइट लेके मैं इसको खा रहा हूँ, इस बार है ना मैं झींगा के साथ इसको लेता हूँ, साथ में यहाँ पे इन्होंने ऑनियन दिया था। तो ये दोनों आइटम मुझे काफी अच्छा लगा। एक काम करते हैं, मेरे साथ दोनों बच्चे हैं उनका भी रिएक्शन देखते हैं। तो ठीक है गाइस, हमने यहाँ का दोनों वैरायटी खाया, काफ़ी मज़ा आया। और आप भी अगर नवसारी में रहते हैं और बढ़िया सा सी फूड ढूंढ रहे हैं, या तो नवसारी में कोई ऐसी वैरायटी ढूंढ रहे हैं जो मछली के यहाँ मिलता नहीं है, तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर आकर एक बार ट्राई कर सकते हैं। मुझे यहाँ का स्वाद काफ़ी अच्छा लगा, उनके पास बहुत सारी और भी ऐसी वैरायटी है जो आप लोग आकर ट्राई कर सकते हैं, पर आज हम लोग 2 ही जना है और इतना ज़्यादा हम लोग खा नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ का 2 फेमस आइटम दिखाया। तो ठीक है, वीडियो के लास्ट तक आगे हो तो जाते जाते अपने भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे शाम को 7 बजे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।